रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू माइक दे दो, मैं अभी पार्लियामेंट में जो सवाल आया है कि 10 लाख से ज्यादा लोग के शिकार हैं, जो राज में हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, तो इस फ्यूचर को बचाने के लिए पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, पेरेंट्स को पैगाम देने के लिए, स्कूलों कॉलेजों को पैगाम देने के लिए कि वो बच्चों पर काफ़ी निगरानी रखें ताकि कोई बच्चा ड्रग में न चला जाए। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट इस रैली का एहतमाम कर रही है, इसी ड्रग के खिलाफ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं और इसी के कारण हम ये रैली चला रहे हैं। क्या लग रहा है जहाँ पर करते रहेंगे, एक साइड सभी करते रहेंगे। हाँ, एक साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड रैली को लेफ्ट साइड, क्या कहेंगे आज रैली निकाली जा रही है ड्रग में, एंटी ड्रग के रैली निकाली जा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर बड़े पैमाने पर ड्रग में है और इसका समाधान जागरूकता ही है। जहां परिवार है और समाज है वहां ड्रग नहीं है, तो आज एक समाज एक यूनिट के तौर पर रोड पे आया है ड्रग के खिलाफ और उसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट के बीच कर रही है। प्रशासन के ऊपर क्या कहेंगे? प्रशासन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, सरकार अपना करे, समाज की अपनी भूमिका है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र अंदर इस तरह खाली है, चाहे लगभग 10 लाख के करीब सारे युवाओं की अपनी चपेट से ले गए हैं। किए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने कंट्रोल लाया।